बच्चों आज हम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की रीतियों के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। आज के प्रतिस्पर्धा युग के तहत व्यापार का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देशी व्यापारी नहीं बल्कि विदेशी व्यापार या हम ये कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है जिसमें एक देश माल को बेचता है और दूसरा देश उस माल को खरीदता है। बीच में हमारी राजनीतिक सीमाएं होती है। जब एक देश से माल बनकर दूसरे देश में माल बिकता है, अर्थात खरीदार एक देश का और प्राप्तकर्ता एक देश का होता है, तो हम उसे आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। खरीदता है उसका उस कंट्री में वो आयात कहलाता है और जो माल बेचता है उसको हम निर्यात व्यापार कहते हैं। आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आर्थिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। एक कंट्री जहाँ पे जिस माल को बनाने में सबसे ज़्यादा बचत होती है वो उसको बनाता है और विश्व के अन्य देशों में वो उसे बेचता है। अब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को माल बेच रही है तो माल बेचने वाले को भुगतान भी चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन बिना प्रतिफल के नहीं होता है, तो भुगतान की आवश्यकता बढ़ी। अब एक देश में एक मुद्रा चल रही है और दूसरे देश में दूसरी मुद्रा चल रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि किन किन रीतियों से हम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सकते हैं। जब एक देश माल को बेच रहा है तो दूसरा देश उसको खरीद रहा है, तो वो उसको भुगतान करेगा। ये भुगतान धातु के रूप में कर सकता है। जिस देश से उसने माल खरीदा है, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में, तो रुपये के द्वारा भी हो सकता है, सोने चांदी के अंतर्गत भी हो सकता है, यूरो करेंसी के अंतर्गत भी होता है, जो भी ये टर्म और कंडीशन डॉलर में भी हो सकता है निर्धारित करते हैं। उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दायित्वों का निपटारा किया जाता है या हम कहें मूल्यों का हस्तांतरण किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विशेषताएं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, जैसे मैंने पहले बताया कि दो पार्टीज़ होती हैं, दो पक्षकार, टू पार्टीज़। दो पक्षकार, एक आयातक होता है और एक निर्यातक होता है, एक भुगतान देने वाला होता है, एक भुगतान देने वाला होता है, एक ऋणदाता होता है, एक ऋणी होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक माल बेचने वाला होता है और एक माल खरीदने वाला होता है। जो बेचने वाला होता है वो ऋणदाता होता है, जो लेने वाला होता है क्योंकि उसने माल लिया होता है वो ऋणी हो जाता है और भुगतान कर वो अपने ऋण से मुक्त हो सकता है। कई बार ये दो पक्षकार अलग अलग देशों के भी हो सकते हैं, कई बार ये पक्षकार एक ही व्यक्ति भी हो सकता है। अब आप कहेंगे एक व्यक्ति कैसे, एक व्यक्ति ऐसे कि एक व्यक्ति ने अलग अलग देश में अलग अलग फर्म रजिस्टर करा रखी है, जैसे इंडिया में रजिस्टर करा रखी है, अमेरिका में रजिस्टर करा रखी है, जापान में, जर्मनी में, अलग अलग फर्म में बना रखी है। तब एक फर्म से दूसरे फर्मों में हम माल बेचेंगे तो ये भुगतान तो अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा, लेकिन क्योंकि एक ही व्यक्ति की वो फर्म है तो वो एक पक्षकार भी हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर है दो देशों के मध्य व्यवहार। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसका जो व्यवहार है वो दो पक्षों के मध्य तो होता ही होता है, दो कंट्रियां भी होना जरूरी होता है। यदि एक ही कंट्री के अंदर हम इसे करेंगे तो वो देशी भुगतानी कहला जाएगा, विधिने राष्ट्रीय भुगतानी कहा जाएगा, और जब दो देशों के बीच में होगा तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहेंगे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दो संस्थाओं के बीच में भी हो सकता है, संस्था और सरकार के बीच में भी हो सकता है,
और दो निवासियों के बीच में भी हो सकता है, मीन्स कोई भी हो सकता है, दो निवासी हो सकते हैं, दो संस्था हो सकती हैं, दो सरकार हो सकती है, एक निवासी एक संस्था एक सरकार, कोई भी इसमें हो सकता है। लेकिन दो भुगतान जो किया जा रहा है वो दो भिन्न भिन्न राष्ट्रों में होना यहाँ पे परम आवश्यक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात दो राष्ट्रों के मध्य भुगतान। फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दायित्वों का निपटारा। भुगतान जो है मैंने आपको शुरू में ही बताया, मूलतः दायित्वों के निपटारे के लिए ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हम आयात निर्यात का व्यवहार करते हैं, या पूंजी का नियोजन व्यवहार करते हैं, या आर्थिक सहायता व्यवहार करते हैं, सभी के व्यवहारों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दायित्व पैदा होता है, और इन दायित्वों का भुगतान करने पर भुगतान में एक पक्ष ऋणी और दूसरा ऋणदाता हो जाता है, और इसके अंतर्गत हम किसी देश को दूसरे देश का यदि निपटारा करना है तो भुगतान करके, पैसा भुगतान करके, चाहे वो हम धातु के रूप में भुगतान करें, चाहे हम बैंकों के माध्यम से भुगतान करें, चाहे उसी देश की करेंसी के रूप में भुगतान करें, हम आर्थिक दायित्व का निपटारा कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जो है वस्तुतः मूल्यों का हस्तांतरण होता है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग मौद्रिक इकाइयाँ प्रचलन में आपको मालूम है, तो एक देश की मुद्रा सामान्यतः दूसरे देश के अंदर स्वीकृत नहीं की जाती है। ऐसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भुगतान किया जाता है तो हमें पहले ये मालूम करार जब अपन अनुबंध करते हैं, जब भी मालूम कर लेते हैं कि वो किस देश की करेंसी में भुगतान चाहेगा। जैसे आपको व्यवहार में मालूम है कि सब लोग डॉलर्स में भुगतान लेना चाहते हैं, आप जैसे अपने आसपास की कंट्रीज जो हैं, बर्मा है, भूटान है, अपने नेपाल है, या यहाँ पे अपने रुपए में भुगतान लेना पसंद करते हैं, इंडियन करेंसी लेना पसंद करते हैं, तो किस देश की मुद्रा में वो भुगतान लेना चाहते हैं उसी में ही हमें मूल्य का हस्तांतरण करना पड़ता है। कई बार ये कार्य विनिमय एक्सचेंज का कार्य बैंक बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और बैंक के माध्यम से यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का जो भुगतान है वो मुद्रा में ना करके वस्तु में, जैसे हमने कपड़ा लिया, रेडीमेड का गारमेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसके बदले में ग्रे कपड़ा उस कंट्री से ले सकते हैं। इस तरह भी कई बार वस्तु के अंदर वस्तु का भुगतान करके भी हम अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का निपटारा कर सकते हैं। ज़्यादातर हम मूल्य हस्तांतरण करते हैं, और मूल्य हस्तांतरण के लिए हमको बैंक की मदद लेनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के कारण, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के कारण सबसे पहला तो है दृश्य आयातों का भुगतान करने के लिए, अर्थात पेमेंट ऑफ विजुअल इम्पोर्ट, जो हमें दिख रहे हैं कि हमने ये वस्तुएं वहाँ से खरीदी हैं विदेशों से, तो उन विदेशों को हम पूरा ब्यौरा बंदरगाह के एक रजिस्टर में अंकित रहता है, और उनका भुगतान करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता या भुगतान की आवश्यकता होती है। सेवाओं का भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सर्विसेज हम लेते हैं, जैसे जिनका कि हम बंदरगाह पे रिटिन में नहीं लिख सकते, जैसे सेवाएं ले ली, जैसे अपन ने सड़क बनवा ली, या जहाज ले लिया, या बीमा की सुविधाएं ले ली, या बैंक की सेवाएं ले ली, तो इनकी सेवाओं का भी हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना पड़ता है। पूंजी का आवागमन, कैपिटल मूवमेंट, एक देश के लोग दूसरे देश में अपनी राशि का क्या करते हैं, विनियोजन करते हैं, विनियोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये निजी क्षेत्र में भी हो सकता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में भी हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में भी हो सकता है, तो ऐसी दिशा में पूंजी का हस्तांतरण यहाँ पे होता है और हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। ये पूंजी विनियोजन अल्पकालीन भी हो सकता है, मध्यकालीन भी हो सकता है, और दीर्घकालीन भी हो सकता है। फिर है विदेशी ऋण। कई बार
एक सरकार दूसरी सरकार को क्या देती है, ऋण देती है, और इन ऋणों को भुगतान करने के लिए भी विभिन्न एजेंसियों को पैसे की भुगतान किया जाता है, पैसा दिया जाता है, और इन पैसों को भुगतान करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त की या मुद्रा की या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है ऋण देने के लिए भी। विदेशी अनुदान, कई बार एक सरकार दूसरी सरकार को अनुदान सब्सिडी देती है, ग्रांट इन एड देती है, जिसे कि वापस नहीं लौटाना होता है, लेकिन इसमें भी पैसा हस्तांतरण करना पड़ता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भुगतान इन्वॉल्व होता है। क्षतिपूर्ति भुगतान, कंपनसेशन, कई बार पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कभी कोई कार्य गलत हो जाता है, एक सरकार दूसरी सरकार को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, कोई अनुबंध टूट गया सरकार का सरकार के मध्य या निजी कंपनी का सरकार के मध्य अनुबंध टूट गया, ऐसी दिशा में हमें पेमेंट करना पड़ेगा तो हमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त की आवश्यकता होगी। कई बार द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब ब्रिटिश जर्मन द्वारा ब्रिटिश सरकार को काफ़ी मात्रा में धन देना पड़ा था, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के अंतर्गत आता है। ब्याज एवं लाभांश का भुगतान, कई बार ब्याज जो भी अपने पैसा विदेशों में जमा कर रखा है और उस पर जो इंटरेस्ट आता है, या हमने शेयर और डिवेंचर्स में लगा रखा है उसका हमको डिविडेंड आता है, जब विदेशों में उनको भुगतान करना पड़ता है, चाहे वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है, तो हमें जो जहाँ के लोगों ने पैसा लगाया उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, इसके लिए भुगतान की आवश्यकता। यदि हमने बाहर विनियोजन किया रखा है तो उनको हमें डिविडेंड देने के लिए भुगतान की आवश्यकता पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार शुल्क का भुगतान करने के लिए पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। बच्चों आप जानते हो रॉयल्टी क्या होती है, जैसे कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या कॉपीराइट है, किसी ने डेवलप किया है, जैसे बुक लिख दी, तो बुक लिखने वाले का उस पर क्या होता है, अधिकार होता है, कॉपीराइट होता है, उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। जब पब्लिशर उसको छापता है और मार्केट में उसे बेचने का अधिकार देता है, तो उसके बदले में जो राइटर होता है उसको कॉपीराइट के रूप में क्या मिलता है, शुल्क मिलता है, तभी वो उन पुस्तकों को उस पब्लिशर को बेचने के लिए वो ऑथराइज करता है। इसी तरह कोई भी नई चीज़ हमने बनाई और उसको अपने नाम से हम रजिस्टर करा लेंगे, पेटेंट करा लेंगे, या हम ट्रेडमार्क को अपने नाम से रजिस्टर करा लेंगे, यदि वो हमारा ट्रेडमार्क यूज करेगा या हमारा पेटेंट यूज करेगा, तो उसके बदले में हम उससे शुल्क लेंगे। उस शुल्क के भुगतान के लिए भी हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। प्रवासियों द्वारा धन भेजना, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आता है। अब फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं वो अपने देश में रह रहे लोगों को पेमेंट भेजते हैं, तो ये कहलाता है प्रवासियों द्वारा धन भेजना। इसके लिए भी क्या होता है, पैसे की आवश्यकता, भुगतान की आवश्यकता होती है। दूतावासों पर भी है, प्रत्येक देश की सरकार का प्राय अन्य देशों की सरकार में अपना एक कार्यालय होता है, उस कार्यालय को हम डिप्लोमेट मिशंस या दूतावासों का व्यय कहते हैं। उस खर्चे को चलाने के लिए भी एक सरकार दूसरे सरकार के पास बहुत बड़ा भुगतान करती है। शिष्टमंडलों पर व्यय, आपको मालूम है शिष्टमंडल डेलीगेशन क्या होते हैं, डेलीगेशन राजनीतिक उद्देश्यों से भी होते हैं, सांस्कृतिक विनिमय के द्वारा भी होते हैं, जैसे डांस वगैरह के लिए भेजना, और व्यापारी शिष्टमंडल भी होते हैं जो व्यापार में मेले आदि में काम करने के लिए जाते हैं। तो इन सबको भी भुगतान करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। पर्यटनों पर व्यय, एक्सपेंसेस ऑफ टूरिज्म, या आप जानते हो खिलाड़ी के दल जाते हैं बाहर, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। कोई हमारे देश से शिक्षा लेने जाता है तो शिक्षा में उनकी फीस वगैरह चुकाने के लिए भी हमें पैसे की आवश्यकता होती है। इसी तरह यदि कोई रिवार्ड हमको मिलता है या हम रिवार्ड किसी को देते हैं, पारितोषिक का भी भुगतान करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रीतियां हैं जिनके द्वारा हम भुगतान कर सकते हैं।